CBSE video tutorials. हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है कीचड़ का काव्य, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। बच्चों, पाठ के सारांश की शुरुआत यहां से होती है। लेखक इस पाठ में यह चुनौतीपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि हम सभी आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, बादल और न जाने कितने तरह की वस्तुओं के वर्णन करते हैं, लेकिन कीचड़ का वर्णन कोई नहीं करता, क्योंकि लोग कीचड़ को प्रारंभ से ही हेय समझते आए हैं। कीचड़ में पांव डालना या हाथ से छूना तो दूर, लोग कीचड़ का संपर्क किसी भी रूप में नहीं करना चाहते हैं। कीचड़ को प्रायः लोग वर्ज्य मानते हैं, यानी गंदा मानते हैं। यहाँ तक कि बुरी संगति या बुरे मित्रों की बात करने में लोग उसकी उपमा कीचड़ से देते हैं। लेखक कीचड़ की अच्छाई की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि कमल भी कीचड़ में ही खिलते हैं। पूरे देश और पूरी दुनिया के खाद्यान्न भी कीचड़ से ही प्राप्त होता है। कीचड़ में लेखक सौंदर्य के भी दर्शन करते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान खंबात को मानते हैं, जहां मीलों पसरे हुए कीचड़ का अपना सौंदर्य भी है और अपना अस्तित्व भी है। उस पर छोटे पक्षियों के नाखून और अंगूठे के निशान दृष्ट दव्य है, तो कुछ ठोस होने पर जानवरों के पंजों और खुरों के नाखून भी ऐतिहासिक महत्व के हैं। वैसे स्थान में कीचड़ के स्टेटस की बात अगर की जाए तो वो अपने अंदर बड़े बड़े हाथियों को तो लील ही सकता है, पर्वतों को भी समा सकता है। लेखक अंत में ये भी आशंका व्यक्त करते हैं कि लोग यह तर्क दे सकते हैं कि चूंकि हीरा कोयले से प्राप्त होता है, इसलिए कोयले का मोल हीरे के बराबर नहीं हो जाता। अगर यह तर्क माना ही जाए तब तो करोड़ों टन अनाज के कीचड़ से उत्पन्न होने के बाद भी कीचड़ उपेक्षित और घृणा के योग्य ही रह जाएगा। इस पाठ से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि साहित्यकार घिसी पिटी लीक पर नहीं चलता। वो व्यक्तित्व प्रखर साहित्यकार माना जाता है जो लीक से हटकर सृजन करता है। यहाँ काका साहब ने गुलाब, कमल, बादल, चंद्रिका आदि के वर्णन से अलग हटकर कीचड़ का वर्णन किया है। बच्चों, अब हम कुछ लेखक के बारे में जानेंगे। काका कालेलकर, इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बंगला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आजादी के बाद काका जिंदगी भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। लेखक के प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है: हिमालय यौन प्रवास, लोक माता जो यात्रा वित्रांत है, स्मरण यात्रा मतलब संस्मरण है, धर्मोदय आत्मचरित्र है, जीवन नो आनंद, अवार निबंध संग्रह है। बच्चों, हमारे चैनल को जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। बच्चों, अगर आपको ई बुक चाहिए तो अपना ईमेल आईडी हमें भेजें, आपको हम उस एड्रेस पे मेल कर देंगे।